सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं संयुक्त भर्ती, जो आपका सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 2018 में। उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उनको, तो उसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर के, जो कि अभी के डेट पे आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर आएगा। जैसे कि आपका विधानसभा का एग्जाम हो गया जो सहायक ग्रेड 3 का है, या फिर संयुक्त भर्ती का एग्जाम हो गया, या फिर व्यापम का कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का टॉपिक आएगा, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न था और उसके आंसर को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 था, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स मतलब MPEG को कंप्रेस करने में उपयोग होता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। जो 50 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। फिलहाल देखते हैं हम लोग, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर को विलोपित कर दिया गया है। देखिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो MPEG फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, वीडियो कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेम्स भी दिए गए हैं, और फ्रेम्स का भी मूविंग क्या कहलाता है, आपका MPEG कहलाता है, मतलब वीडियो कहलाता है। तो शायद इसी वजह से इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले खाली स्थान करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिजिटाइज्ड। इसका मतलब होता है डिजिटल माध्यम से जोड़ना। डिजिटाइज्ड मतलब डिजिटल माध्यम से जोड़ना। तो अगर आपको आइडिया और वीडियो किसी को भेजना है, तो सबसे पहले आपको डिजिटाइज्ड करना होगा। आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न देखिए, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होता है, जो पुना में खाली स्थान में उप विभाजित होता है, मतलब क्या होता है, वो सेक्टर्स में विभाजित होता है। तो आपने देखा होगा, जो हार्ड डिस्क ट्रैक्स होता है वो क्या होता है, सेक्टर में विभाजित होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप DVD को देखोगे तो भी क्या रहता है, सेक्टर पे विभाजित रहता है। चलिए, निम्न में से खाली स्थान अलग है। तो देखिए, यहाँ पर CD DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क, ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर BIOS क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और ये यहाँ पर अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55, फ्लॉपी डिस्क में होता है, क्या होता है फ्लॉपी डिस्क में, तो सर्कुलर ट्रैक्स होता है, छोटा सा रहता है सर्कुलर ट्रैक्स, और सिर्फ सेक्टर्स होते हैं इसमें, मतलब ये ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 है, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान में जुड़ा होता है। तो देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा रहता है कंप्यूटर, जब हम इंटरनेट में कनेक्ट करते हैं। तो विदाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के आप इंटरनेट नहीं चला सकते। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः खाली स्थान में छिपा होता है। तो देखिए, दो जगह छिप सकता है कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम, जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम में और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। ज़्यादातर इन दो जगह पर कंप्यूटर वायरस को हाइड किया जाता है, छिपाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट्स और टॉपिक संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है। सिंपल से बात है, ऑप्शन नंबर बी एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल पर अगर इंस्टॉल हो जाता है, वो आपके हर एक्टिविटी को ट्रैक करेगा जब भी आप ऑनलाइन आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट देगा। आप उस एडवर्टाइजमेंट क्लिक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है आपको फिशिंग वेबसाइट मिल जाए और आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ले। तो ये जो है एडवेयर सॉफ्टवेयर, एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपके मूवमेंट पर ध्यान रखेगा जब भी आप ऑनलाइन रहेंगे, मतलब आप नेट ऑन रखेंगे उस समय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59,
खाली स्थान आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नजर रख रहा है। तो देखिए की लॉगिंग, की लॉगिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप अपने कीबोर्ड पर जो भी टाइप करेंगे उसका डाटा उन तक पहुंच जाएगा, उनको पता रहेगा कि आप कौन सा पासवर्ड रख रहे हैं, आप कौन से यूजर आईडी रख रहे हैं, सारे चीज उनको पता रहेगा। तो की लॉगिंग भी एक तरह का स्पाईवेयर है जो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड रखता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। इमेज का छोटा रूप कहलाता है, तो इमेज का छोटा रूप कहलाता है थंबनेल। आपने अक्सर मोबाइल में फाइल मैनेजर के अंदर देखा होगा थंबनेल रहता है। थंबनेल क्या रहता है? आप जो फोटो क्लिक किए रहते हैं उसका छोटा सा रूप रहता है, तो उसके माध्यम से भी आप अपने फोटो को देख सकते हैं। तो थंबनेल आपके मोबाइल में ही रहता है, साथ ही और भी थंबनेल होते हैं, जैसे यूट्यूब का भी थंबनेल होता है एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बर्निंग। बर्निंग क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर आप सीडी रोम में फाइल कॉपी कर रहे हैं तो उसमें जो डाटा है एक बार स्टोर हो जाता है, और एक बार स्टोर हो गया तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते ना ही बदल सकते, तो इसलिए कहलाती है बर्निंग। तो याद रखिएगा आप इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर बी चेकआउट। देखिए चेकआउट क्या होता है? पेमेंट का प्रोसेसिंग सिस्टम, कहने का मतलब जब आप पेमेंट करके वहां से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप होटल पे जाते हैं और वहां पर पेमेंट करके वहां से चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? चेकआउट। तो ये भी क्या है? गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम चेकआउट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है, लेकिन याहू गूगल और अल्टाविस्टा क्या है? सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, लेकिन याहू गूगल और अल्टाविस्टा ये क्या है? आपका सर्च इंजन है। यहां पर गूगल क्रोम रहता तो वेब ब्राउजर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है? तो देखिए गूगल टॉक। गूगल टॉक क्या है? एक मैसेंजर है, मैसेंजर जो कि अब गूगल टॉक अपग्रेड होकर हैंगआउट में चेंज हो गया है, हैंगआउट के नाम से जाना जाता है। अल्टाविस्टा जो है वो सर्च इंजन है। मैक क्या है? तो मैक जो है वो कंपनी है। यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक सोशल मीडिया है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा, गूगल टॉक एक इंस्टेंट मैसेंजर है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं हम लोग, खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल। देखिए फायरवॉल क्या करता है? ये जो है इंटरनेट पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। एक तरह से फायरवॉल आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ये जो है फायरवॉल जो है आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। पंखा जो है आपने देखा होगा फैन लगा रहता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है फैन जो है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या फिर तस्वीर ग्राही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर में। तो लेजर प्रिंटर में रहता है आपका बेलनाकार ड्रम। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? तो कैरेक्टर प्रिंटर है, और ये क्या है? गोल्फ बॉल प्रिंटर जो है वो भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, इसलिए डेजी व्हील प्रिंटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए MySQL। MySQL क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मुफ्त नहीं है। Ubuntu, सिलेबस डेस्कटॉप और Kubuntu, ये सभी क्या है? मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आपको ये फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन MySQL के लिए आपको पैसे देने होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है वो नहीं है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण, बाकी अल्टीमेट, प्रोफेशनल और होम प्रीमियम जो है वो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर के एक संस्करण है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो के संकल्प है? मतलब जो आपके स्क्रीन का वीडियो रिजोल्यूशन होता है वो कौन सा सही है? तो देखिए 640 480 का रिजोल्यूशन होता है, 1024 और 768 का भी होता है, 1152x864 का भी होता है, लेकिन 800 मल्टीप्लाई 680 का रिजोल्यूशन नहीं होता आपके स्क्रीन का, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जॉन डब्ल्यू टूके। तो जॉन डब्ल्यू टूके ने किया था सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, तो मशीन भाषा को, मशीन भाषा जो कि 0 और 1 है, जो कि कंप्यूटर समझता है उस भाषा को, तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी दूसरे लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, IBM के स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है? तो Mark 1। तो पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर था या फिर कैलकुलेटर था जो IBM कंपनी के इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, Mark 1। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर खाली स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। खाली स्थान स्क्रीन क्या हुआ? डेस्कटॉप हुआ आपका, डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉग इन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सेव एस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए खाली स्थान मार्जिन प्रदान करता है, तो देखिए ऊपर नीचे बाएं दाएं ये चारों आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कि MS सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए ऊपर नीचे बाएं दाएं मार्जिन प्रदान करता है, मतलब चारों तरफ मार्जिन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 79, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम उपकरण की आवश्यकता होती है, आपको पता ही है इसका आंसर, ऑप्शन ए मॉडेम, मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है होम कंप्यूटर को, जो घर पर पीसी रहता है उसको। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सर्च इंजनों का उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्च डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट खोजने के लिए हम लोग सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहा व्यापम द्वारा पूछे गए संयुक्त भर्ती के एग्जाम में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करें।